आज हम ये बाइक से सीढ़ी चढ़ेंगे। आज मुझे मेरी शक्ल दिखाने की मन नहीं है, बिकॉज मुझे श्रीनगर दिखाना है आप लोगों को। और ये जो होटल है, सासन होटल, ये होटल में कभी मत रुकना। द मोस्ट पथेटिक स्टे ऑफ ऑल, हम सोए हैं कुछ नहीं तो भी 4 बजे, एसी रूम लिया था हमने और रात को हो गई घमासान बारिश। लिटरली एसी के डक में से पूरा पानी अंदर आ रहा है। कुछ 10:30 बजे या 11:15 बजे लाइट गई है और डायरेक्ट लाइट आई है सुबह 4 बजे। कैसे सोए हैं, मच्छर काट रहे हैं, ऑल दैट। और ऐसा भी नहीं कि लाइक बजट होटल टाइप्स में हमने कुछ लिया, 1000 रुपये दिए थे यार इसे, और रूम भी ठीक ठाक ही लग रहा था। लेकिन भाई साहब, जब बारिश आई और ये सब मगजमारी हुआ, पूरी हुई रात खराब। एनीवेज, विल नॉट बोर यू विद दैट, ठीक है। बस सासन होटल मत रुकना, देयर आर अदर होटल्स जिनमें जनरेटर इन्वर्टर फैसिलिटी रहता है, वहाँ चले जाना। हम निकलेंगे श्रीनगर की तरफ। सो फिर से एक्साइटेड, सुबह सुबह का नजारा बताते हुए आपको। इट इज 8:00 इन द मॉर्निंग, श्रीनगर पहुंचना है हमें अराउंड 1:30-2:00 तक। 2-3 काम करके रहना है, जैसे RT-PCR रिपोर्ट निकाल के रखना है, बिकॉज ले में अभी भी RT-PCR पूछ रहे हैं। ओहो, डाइवर्जन, और हमें एंटी फॉग लगा लेना चाहिए था। और ये कश्मीर की वादियों में आपका स्वागत है। ये तो स्टिल उधमपुर है, आगे आगे जाएंगे तो इट्स गोना बी क्रेजी। वेदर फोरकास्ट में बारिश बता रहा है होपफुली, लेकिन थोड़े थोड़े ड्रिजल हो निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कल रात को तो काफ़ी घमासान, लाइक 1-1.5 घंटे तक का बारिश आ रहा था। वाह वाह वाह, क्या दिख रहा है। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और वैली का नज़ारा देख रहे यार, कितना सुंदर लग रहा है। दूर दूर तक माउंटेन रेंजेस, फाइनली वी हैव एंटर्ड कश्मीर। ये है ढाबा अन्नपूर्णा, ये है शिल्पा, अरे यार ये देख हेलमेट की वजह से इसका फोटो ले लेता हूँ मैं। चलो पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। मैंने मैगी मंगाया, तूने आलू पराठा? आलू पराठा मंगाया है। पूरी बोल दे। नहीं नहीं है, वो पराठा ही है। अच्छा ठीक है, मिलता हूँ फिर। You can avoid the old roads of Patnitop and take the Shyamlal Mukherjee tunnel, as it not only saves time but it's also a nicely built tunnel. Finally, we see an opening. ये कुछ नहीं तो भी 4-5 किलोमीटर का टनल था। There we go. And we are greeted with mountains. Mountains everywhere. वाह वाह वाह। And टनल से निकलते ही थोड़ा ठंडा होना चालू वापस। मतलब मैं क्या बताऊँ दोस्तों, क्लाइमेट इज सो परफेक्ट ना, इट इज जस्ट परफेक्ट फॉर बाइकिंग। ऐसा लग रहा है पूरा टाइम कैमरा चालू ही रखूँ। Look at how beautiful everything is looking, man. Please, roads मत देखना, ऊपर देखिए, वैली देखिए। यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होके गए हुए हैं, आराम से चलाओ भैया। ओह, दिस इज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। और मैं ये देखिए इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल बोलते ही जा रहा हूँ। पता नहीं लद्दाख में क्या होगा मेरा। चलो लेट्स एंजॉय द व्यू। मैं जैसे ही बोला था व्यू एंजॉय करो, ये देखो ये है। हाँ, ट्रैफिक हो चुका है, प्रॉब्ली लोग शॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रहे हैं। अभी इनको भी बोलेंगे शायद पीछे आने के लिए, होपफुली जल्दी से क्रॉस हो जाए। ये जो हमारे पीछे वाले महाश है ना, वो बीच में घुस गए थे ऐसे, उसकी वजह से ट्रैफिक क्रिएट हो गया था। उनको अभी पीछे भेजा। पुलिस वालों ने अपना काम कर लिया, थैंक यू। फाइनली उस स्टूपिड ट्रैफिक से निकले, एंड इट वाज ऑल कॉज्ड बाय, कैसे भी लोग जहाँ जहाँ पे जो जो जगह मिला सब जगह पे ऑक्यूपाई कर रहे। लोग अभी भी पीछे के साइड में ट्रैफिक में अटके हुए हैं। बाइक होने का ये फायदा है, निकल गए हम लोग फिर भी। और देख सामने वाला गाड़ी देखो कैसे लेके आ रहे। रहना भाई रहना, नहीं रहना उसे। ओके फाइनली होपफुली आगे ट्रैफिक नहीं रहेगा। स्कूटी में लद्दाख,
यार एक तो स्कूटी, ऊपर से कोई भी राइडिंग गियर ढंग का नहीं, और जो स्कूटी है वो भी ऐसा लग रहा है कि कभी भी जवाब दे सकता है कोई भी सवाल का, कोई भी सवाल का। थैंक यू थैंक यू। बहुत ही सारे कीचड़ उड़ाए हम पे अभी अभी, बहुत अत्याचार हुआ है हमारे साथ। वाह वाह क्या रास्ते हैं। ओके यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है काफ़ी बार, वो दिख रहा है। हरियाणा वाले बुलेट वाले टस से मस नहीं हो रहे, वो बार बार उसको बोल रहे हैं पीछे जाओ, वो लोग फिर भी वहाँ पे ही खड़े। बेसिकली वहाँ से भी वो रस्से से स्लश निकाल रहे हैं, यहाँ से भी रस्से से स्लश निकाल रहे हैं। ये कल रात की बारिश का ही नतीजा है मोस्ट प्रोबेबली। और ये हमारा स्लश के साथ में मुकाबला शुरू। यार जब इन्होंने हिम्मत कर ली तो मैंने बोला चलो यार हम भी निकल ही जाते हैं। काफी स्लश और काफी रॉक स्टार। चलो हम तो निकल गए, काफी सारे जन पीछे रुके थे। हो ये जो स्पीड में आ रहे हैं ना मुझे काफी डर लग रहा है भाई साहब। ले लो लेफ्ट, जा भाई जा तू। दिस इज हाईवे नॉट अ रनवे, डोंट टेक ऑफ। यहाँ की गाड़ियों को समझाओ प्लीज। होपफुली ऐसे स्लश वाले रास्ते अभी नहीं मिले और चुपचाप हम श्रीनगर तो एटलीस्ट पहुंचे। ये सब एडवेंचर हम कल के लिए रखे, आज श्रीनगर में प्लीज डल लेक में हमें शिकारा राइड करना है। ऐसे हमारे भावनाओं को समझो, हमारा दिल मत तोड़ो और चुपचाप हमें चलाने दो। ये रिवर का नाम है ना, मैं यहाँ पे फ्लैश कर रहा रहेगा अभी, बिकॉज मेरे को अभी भी नहीं पता चला है कि ये रिवर का नाम क्या है। दो तीन अलग अलग नाम बताए लोकल्स ने यहाँ पे। श्रीनगर सामने, थैंक यू। सीधा सीधा ओके। एक चीज़ तो पक्की है, श्रीनगर पहुँच के गाड़ी तो धुलवाना पड़ेगा। ट्रैफिक देखो किधर तक है। सो जवाहर टनल 53 श्रीनगर 139, अभी भी इतना स्लो चल रहा है अपना जर्नी और ट्रैफिक है कि खत्म ही नहीं होता है। कम ऑन ट्रैफिक, डोंट डू दिस टू अस। एक्चुअली आरटीपीसीआर नहीं कराना रहता ना तो ये टेंशन ही नहीं होता। आरटीपीसीआर कराना है और फिर शिकारा राइड करना है भाई, पीछे मत आना। आई स्वेयर टू गॉड इतना ट्रक का ट्रैफिक है ना यहाँ पे। हेलो मंकी, ये देखते जाओ दूर से वहाँ तक, क्रेज है। और हमें ये बस एक दो ट्रक रोक रहे हैं, यहाँ से निकल जाए तो काफ़ी टाइम तक हमें फ्री रास्ता मिलेगा। ये देखो रिवर के इतने ऊपर आ गए, चील दिख रही है हमें, चील गोल गोल घूम रही है यहाँ पे। और ट्रैफिक देखो यार, एंड तक ट्रैफिक है। हाँ पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है, इनके तो पार हो जाए। बाकी वाली का व्यू बहुत सुंदर आ रहा है यहाँ से, है ना। अटके और बुरे अटके, ट्रैफिक ट्रैफिक, ये रही हमारी बाइक। इट्स रियली बैड, आई एम नॉट श्योर श्रीनगर कब पहुँचेंगे यार। हमने लिटरली 15 से 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे के ऊपर लगा दिए। हमने आज तक ट्रैफिक में फंसे इतने ट्रक एक साथ कभी नहीं देखे थे। फ्रस्ट्रेटिंग था, पर राइड कंप्लीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। आई गेस लैंडस्लाइड होता है ना यहाँ पे, इसके हिसाब से ये बना के रखा हुआ है देखो। और ट्रैफिक की लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही है। फॉर्चुनेटली अपना साइड चालू है, लेकिन वी नीड टू बी वेरी ऑफ दीज पीपल जो ये ऑपोजिट साइड से, रॉन्ग साइड से भगा भगा के आ रहे हैं। यार बहुत सारे जने हैं तो। और यहाँ टूट गया मेरे सबर का बांध। ये जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं ना, उनकी वजह से आगे बॉटल नेक हो गया और बहुत ही गंदी तरीके से ट्रैफिक सब जगह पे बढ़ गया। ये तो आते ही रह रहे हैं। एग्जैक्टली बाजू में खाई है, ज़्यादा ये नहीं कर सकता मैं। लिटरली खाई के पास से चला आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड पीपल जो ये लोग ऑपोजिट साइड से घुसा अंदर। लो अंदर वो देख, बस घुसाया हुआ है। क्या फालतू ही रही है, बस घुसा रहे रॉन्ग साइड से घरे। ये साइड लो, साइड ले। भाई साहब क्या ट्रैफिक था। फाइनली वो ट्रैफिक से निकले। आई एम नॉट किडिंग यू, हम लोग 2.5 घंटे से ट्रैफिक में अटके थे, 2.5 घंटा। और इतने ट्रक्स मैंने एक साथ लाइफ में कभी नहीं देखे, मोर देन 1000 ट्रक्स ऑन द स्ट्रीट। कश्मीर भी है ना बड़ी नोटिस ही चीज़ है। अभी फिलहाल इतना मूड ख़राब था विद द ट्रैफिक एंड द बैड रोड्स एंड स्लश एंड एवरीथिंग, एंड वापस ये पीस ऑफ पैराडाइज जो देख रहे हैं ना हम,
ये देखिए यार, वापस मूड अच्छा हो गया है ना। वॉलेटाइल है हम लोग, कभी भी मूड चेंज होते रहता है। नीचे नदी बह रही है, इतना सुंदर लग रहा है, सामने घाटी, अभी भी 120 किलोमीटर्स टू गो फॉर श्रीनगर, सो अच्छा खासा टाइम लगना है। वाह, मेरे को रॉक कैसे अटका हुआ है, गिरा तो। श्रीनगर का मेन रास्ता चालू हो गया, हाईवे, प्रॉबेबली अभी अच्छे रास्ते मिलेंगे, प्रॉबेबली आई एम होपफुल कि अच्छे रास्ते मिलेंगे। यार मैंने ग्लव्स नहीं पहने यार, वो इतना धूप लग रहा था ना, कंटिन्यू धूप में वो ग्लव्स पहनना, एक तो लेदर वाला ग्लव्स है, पूरा हाथ जल रहा था अंदर से। पहाड़ देखो दोस्तों, क्या सुंदर लग रहे हैं यार, घिरे हुए हैं पहाड़ से, घिरे हुए। पहाड़ का पहला टोल नाका, कीप स्पीड एट 40 किलोमीटर्स। ओके, वी आर एंटरिंग अनदर टनल, वेलकम टू द बानीहाल काजीगंज टनल। ब्यूटी, क्या बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो गया है ना ये वाले टनल में, लास्ट वाले टनल में जितना गर्मी लग रहा था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे ठंडी लग रहा है। यहाँ पे एग्जिट होने के लिए भी काफ़ी अच्छा, दीज आर वेरी न्यू टनल्स आई एम गेसिंग, ये सब नए नए बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से टनल बनाए हुए हैं। टेक्निकलिटीज़ में बाद में आएंगे, टनल के मज़े उठाने दो। ऐसा लग रहा है ये पूरे टनल में हम अकेले हैं और बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। फाइनली ये टनल खत्म हो रहा है एंड इतना ठंडी, पूछो मत यार, एंड वी आर आउट। क्या बात है, क्या टनल था यार ये, लेट मी टेल यू, बाहर भी उतना ही ठंडी लग रहा है। ओके, मौसम ठंडा हो चुका है। सो एज सून एज द टनल एंड्स, यहाँ पे एक एंटीजन का इन्होंने डाल के रखा हुआ है एंड इट्स अ कंपल्शन, एक एंटीजन टेस्ट करना पड़ता है, इट्स वेरी क्विक, हार्डली इट टुक अस लाइक 10 मिनट्स और सो। सो वो ख़त्म किया है, अभी निकल रहे हैं। ओके, ये ब्रिज, ये जो टनल खुला है ये लिटरली 30 और 34 किलोमीटर्स हम लोगों का कैंसिल आउट कर दिया, तो उतना टाइम हमारा बच गया है। अभी कितना बता रहे हैं? अभी 2 बजे, मैंने बोला था ना 2 बजे तक पहुंचा रहे हैं ना, पहुंचा रहा था। ऑसम ऑसम ऑसम, एक डेढ़ घंटा हम लोग का माइनस आउट हो गया है यहाँ पे। अभी बस रास्ता अच्छा रहे ना तो मज़ा आएगा। सो ही इज़ अनदर सोलो राइडर, ही इज़ राइडिंग सोलो। व्हाट्स योर नेम अगेन, आई फॉरगॉट, निखिल, अरे मुंबई कर निखिल चल रहे हैं हमारे साथ में सोलो। वी गॉट निखिल हियर, ही इज राइडिंग सोलो फ्रॉम मुंबई एज वेल, उनकी वाइफ है वो ज्वाइन करने वाले हैं श्रीनगर से, प्रॉबेबली हम लोग अभी साथ में ही श्रीनगर तक तो चला ही रहे। विद 60 किलोमीटर्स टू गो, वी डोंट इवन नो व्हेन वी लॉस्ट निखिल, मे बी वी वर अ बिट टू फास्ट फॉर हिम और ही टुक अ ब्रेक, आई डोंट नो। द रोड्स लीडिंग टू श्रीनगर वॉज वेरी वेरी सीनिक विद ग्रीन टॉप्स एट एवरी कॉर्नर, इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक स्विट्जरलैंड। We were just glad that we were about to reach on the time that we decided, which also meant that we covered Srinagar and its incredibly beautiful Dal Lake as we wanted to. But for seeing that, you guys need to wait for the second part of this vlog. Thanks for all the love and support, you guys. Hopefully you're enjoying the journey till now. I promise you it'll only get better. Do show your support by liking the video and also comment on how you would have felt about the traffic. Take care, people. I'm gonna see you soon.